पोको F1 एक पहला ऐसा फ़ोन है जहां पर फ्लेक्सिबल लेवल चिपसेट दिया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 845 का, और इसका प्राइस है केवल 15 से 16 हज़ार के बीच में। और ये ऐसा रिकॉर्ड बना जिसको कि आज तक कोई भी दूसरी कंपनी तोड़ नहीं पाई है। लेकिन इसके आगे इस सीरीज की जो भी फ़ोन आए उसमें चिपसेट के अलावा लुक, कैमरा और डिस्प्ले पर भी फोकस किया गया। और रिसेंटली इस कंपनी ने लॉन्च किया है पोको F2 प्रो को, जो कि रीब्रांड वर्जन है रेडमी K30 प्रो का, जो कि एक प्रीमियम फ़ोन है। और इसका नेक्स्ट चैनल फ़ोन होगा पोको F3 प्रो, और इसी के बारे में बात करेंगे ये जो फ़ोन है किस प्राइस पर, कौन से फीचर के साथ में और कब तक मार्केट में आ सकता है। तो शुरू करेंगे यहाँ पर कैमरा से। इस फोन के साथ में पेंटा कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है, जिसमें कि मेन लेंस होगा सैमसंग का 108 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर लो लाइट कंडीशन में फोटोग्राफी काफ़ी इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा इस फ़ोन के थ्रू आप 10x ऑप्टिकल जूम भी कर पाएंगे। और इसी फ़ोन के फ्रंट साइड पर दिया गया है 48 MP का पॉप अप सेल्फी शूटर, जिसका यूज करते हुए वीडियो कॉलिंग करी जा सकती है। तो बढ़ते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है स्नैपड्रैगन 875 का चिपसेट, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होगा, लेकिन इसकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। ये जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 865 से कितना इम्प्रूव होने वाला है, लेकिन हाँ इसमें 10 और 12 GB रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन में इंस्टॉल किया गया है लिक्विड कूलिंग चैम्बर को, जिसकी वजह से इस फ़ोन की जो गेमिंग स्पीड है काफ़ी बूस्टअप होगी, और यहाँ पर जो हीटिंग इशू हैं काफ़ी कम होंगे। और पोको F3 प्रो के साथ में कोई कट या नॉइज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में आएगा, जो कि होगा सुपर अमोलेड टाइप, जिसका साइज़ है 6.7 इंच का, और उसमें जो बेजल है काफ़ी स्लिम होंगे, और उसका जो चिन वो भी काफ़ी थिक होगा। और उसमें मिल जाता है 1 बिलियन कलर का ऑप्शन, जिसकी वजह से जो मल्टीमीडिया कंटेंट है काफ़ी आई कैची लगने वाले हैं। और इस वजह जो फ़ोन है 3 वेरियंट में आ सकता है, 128, 256 और 512 GB, और तीनों फ़ोन को 1 TB तक एक्सपेंड भी कह सकता है माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। सिक्योरिटी को देखा जाए तो फ़ोन एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आएगा, जो काफ़ी क्विक और काफ़ी रिलायबल होने वाला है। और हम बात करेंगे फ़ोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि इसकी बैटरी, और इसमें दी गई 6000 mAh बैटरी की पावर, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली है। और इसके अलावा ये जो फ़ोन है पोको F3 प्रो P2i कोटेड है, मतलब कि यहाँ पर जो लिक्विड डैमेज वो भी काफ़ी कम होंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्क और स्पीड की, तो जो फ़ोन 5G के साथ तो आएगा ही, जहाँ पर आपको मिलता है वाईफाई 6 का सपोर्ट, और इसके अलावा इसमें मिल जाता है आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, मतलब कि इस फ़ोन के साथ में जो डेटा काफ़ी फास्ट तरीके से ट्रांसफ़र होने वाला है। प्राइस को देखा जाए तो फ्रेंड ये जो फ़ोन है 50,000 के आसपास आने वाला है, और ये हो सकता है इसी साल के दिसंबर तक मार्केट में आ भी जाए। तो इस तरह से जो पोको F3 प्रो है एक फुल्ली फ्लेक्सिबल लेवल का फ़ोन है, जहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर भी प्रोवाइड किए गए हैं। और फिलहाल तो ये अभी कॉन्सेप्ट और प्रिडिक्शन बेस पर है। आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में कमेंट जरूर बताएं। और अभी फिलहाल इस वीडियो था, और ये वीडियो साहब था, आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लाइक करिए, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कल नहीं सब्सक्राइब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।